फ़रत अब्दुल्ल इबन अब्बास से मर भी एक रिवायत थे मैं एक दिन हजूर के पीछे बैठा हुआ था सवारी में हजूर का रदीफ़ था तो हजूर ने फरमाया अ बेटे अ लड़के मैं तुझे कुछ कले मात सिखाता हूँ तो अल्लाह के हकूक का ख़्याल रख तो वो तेरी हिफाजत फरमाएगा तो अल्लाह ताली जला शनू के अकाम की हिफाजत कर तो उसे अपने सामने पाएगा इज़ा सालता फ़सल जब सवाल करे तो अल्लाह से ही सवाल करे अल्लाह से मांगने का मिजाज पैदा कर लें कि फरमाया तुम्हारे जूते का तस्मा भी टूट जाए तो वो भी अल्लाह से मांगो ज़रूर बाज़ार में जाओ दुकानदार से लेकिन हकीकी तलब अल्लाह से होनी चाहिए बात बात पे अल्लाह से सवाल करो बड़ी से बड़ी चीज़ भी उससे मांगो छोटी से छोटी चीज़ भी उसी से तलब करो हमारी सारी ज़रूरतों का कफ़ील हमारा रब हमारा मालिक है तो दूसरी नसीहत यह कि, कि जब तू इसानत तलब करे मदद तलब करे तो अल्लाह से ही इस्तेानत तलब करे वालम और जान कि अगर सारी उम्मत सारे लोग पूरी कौम जमा होकर तुम्हें फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश में लग जाएँ तो तुम्हें वही फ़ायदा पहुँचा सकते हैं जो तेरे लिए तेरे रब ने लिखा है और फमायावनिज तमाऊला यदुरू का बेषैन और अगर तुम्हें नुकसान पहुँचाने के दर तय हो जाए यदुरू का अला बेषैन कद का तब्ला तो तुझे सिर्फ वही नुकसान पहुँचा सकते हैं जो अल्लाह ने तेरे लिए लिखा है सारा ज़माना भी मुखालफ हो जाए तेरा कुछ नहीं बगाड़ सकता हाँ तेरे मुकदर में अगर कोई चीज़ कोई बगाड़ लिखा है तो वो होगा उसका ज़रिया वो बन जाएंगे तो इसलिए फिर उसी से मांगो उसी से तलब करो रोफलकलाम वजफ़त सहफ़ जो लिखना था अल्लाह ने लिख दिया लिखने के बाद कलम उठा लिया गया और जिन सहीफ़ों पर लिखा था वो खुश्क हो गए अब किताबें बंद हैं तो इसलिए उसने तेरे लिए जो लिखा है वो हो के रहेगा तो खाम ख़वा लोगों से डरने की ज़रूरत नहीं है और तेरा फ़ायदा तेरा नुकसान उसी के दस्ते कुदरत में है तो उसी से तलब कर उसी से मांग और फरमाया तो अल्लाह ताला जल्ला शाह को रिखा में खुशहाली में याद कर यारिफ का फिशिद्दा वो तुझे मुश्किल में पहचाने का यानी जो शख़्स खुशहाली के दौर में उसके पास दौलत है सेहत है तो अल्लाह ताला को फरामोश नहीं करता अल्लाह उसकी बदहाली के ज़माने में उसको फरामोश नहीं करता वालम और जान अन नसर मब्र के जो मदद है वह सब्र के साथ आती है व फराजा मल और कुशादगी जो है वो मुश्किल के साथ आती है वह अन्ना माल उसरे युसरा और सहूलत जो है वो मुशक्क़त बर्दाश्त करने के बाद आती है तंगी के बाद फ़राखी आती है पहलो मुश्किल फिर तमन्ना पहलो कंडा फिर पुल शायद मगरों पहलो मक्खियाँ डस दियाँ डंग वालियाँ तो ये सब होता है मुश्किल तकलीफ़ें आलाम मसायब इन सब से गुजर करके आसानियाँ आती हैं ख़ुद हुजूर की ज़िंदगी देख लीजिए मदनी ज़िंदगी मक्की ज़िंदगी के गुज़रने के बाद ताइफ के मराहल को तय करने के बाद आती तो हम डायरेक्ट अगर चाहें मक्की ज़िंदगी को अख्तियार किए बग़ैर और ताइफ की मुश्किल और संगलाख रास्तों से गुजरे बग़ैर मदनी बरकतें हासिल करना तो वो नहीं पा सकते तो ये अल्लाह तला ने एक निज़ाम रखा हुआ है